दोस्तों, अभी कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार शुक्रवार को इस्लामी शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। दोस्तों, दारुल उलूम को सब कोई जानता है और इंद्रेश कुमार को भी सब कोई जानता है, क्योंकि ये दारुल उलूम को जब गए तब जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों में, मतलब लोग आश्चर्य रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आरएसएस हमारे देश में किस तरह का एजेंडा और किस तरह की मानसिकता फैलाना चाहती है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ उन्होंने दारुल उलूम के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अब्दुल कासिम नौमानी बनारसी से मुलाकात की और आरएसएस नेता करीब 20 मिनट तक दारुल उलूम के अतिथिगृह के भीतर रहे, यानी कि वहाँ पे जो उनका एक बैठने की जगह होती वहाँ पे बैठे रहे, बैठ करके बातचीत हुई। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इंद्रेश कुमार को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि दारुल उलूम वो पहुँच गए। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा, बीजेपी या फिर आरएसएस दोनों का एक ही एजेंडा है और वो हमेशा मुस्लिमों को टारगेट करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये मुस्लिमों पे अचानक जाने की आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप अगर हमारे देश में शांति चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, हमारे देश में चाहते हैं कि अच्छा मैसेज आए, तो इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और इस वीडियो को लास्ट में शेयर जरूर करें। दोस्तों, यहाँ से निकलने के बाद आपको बताना चाहते हैं, इंद्रेश ने कहा कि यह शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने कहा कि देश कट्टरपंथी से नहीं, प्यार से चलेगा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस शिष्टाचार मुलाकात का मुख्य उद्देश्य भाईचारे का पैगाम लेकर आना रहा। जी न्यूज पर छपी खबर के अनुसार आरएसएस नेता ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पे हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेता वोटों की खातिर मुसलमानों को डरा रहे हैं, यानी कि कुछ मुस्लिम नेता वोटों के खातिर मुसलमानों को डरा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि देश कट्टरपंथी से नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत और आपसी सौंदर्य से चलेगा। तो दोस्तों, ये आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा है, जबकि आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों के प्रति कोई घृणा रखता है तो आरएसएस, यानी कि आरएसएस ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश करता है। और उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, इस्लामिया डिग्री कॉलेज में आयोजित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पैगामी इंसानियत कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद इंद्रेश कुमार दारुल उलूम पहुंचे, जहां संस्था के अतिग्रह में मोहतमी मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी बनारसी ने हाथ मिलाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हालाँकि मैं उनकी भी मतलब एक ये अच्छा मैसेज समझूंगा जो वहाँ के मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब हैं, क्योंकि हमारे चीज़ है कि आपके घर पे कोई मेहमान जाता है तो उसके साथ ऐसा ही सुलूक किया जाए, अच्छे से पेश आना चाहिए। और जो है, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आरएसएस की ये मंशा है कि हमारे देश में भाईचारा रहे तो मैं हाँ आरएसएस के साथ हूँ, लेकिन अगर वो इसके पीछे कोई साजिश के तहत वो जा रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए, तो हम इसके खिलाफ हैं और इसकी जो है कड़ी मजम्मत करते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि हमारे देश में अशांति फैलाता कौन है, ये तो आप सभी लोगों के सामने है। आप अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।